हाउ टू डेवलप ऑनलाइन बिजनेस, हम ऑनलाइन बिजनेस को कैसे डेवलप करें, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, आज हम उन पॉइंटों को समझेंगे। क्योंकि दोस्त आज का जमाना ऑनलाइन है, आज का जमाना जो है वो ऑनलाइन है। अगर आज लॉकडाउन चल रहा है ना तो भी बिजनेस हमारा ऑनलाइन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद भी हमारा बिजनेस ऑनलाइन ही रहेगा, ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। हमें ये बात बिल्कुल 100% समझनी पड़ेगी। अब हमारा बिजनेस ऑनलाइन पे आ चुका है और जितना ज्यादा हम ऑनलाइन इस बिजनेस को करेंगे उतनी बड़ी ग्रोथ हम लोगों को मिलेगी। बहुत सारे लोग जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से लोगों के दिमाग में एक विचार आया कि यार लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ बंद हो चुका है, अब हिंदुस्तान में कैसे काम होगा, अब कैसे बड़ा काम होगा, अब तो हमारे चेक रुक जाएंगे, अब तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। जिन सपनों को लेके हम एसलीपर्स में ज्वाइन हुए थे वो सपने हमारे कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। हम सभी के दिमाग में एक विचार था कि ऐसा कैसे होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जब भी कोई समस्या आती है तो दो तरह के लोग हैं धरती पे, एक लोग वो हैं जो समस्या के सामने घुटने टेक देते हैं और एक लोग वो हैं जो समस्याओं के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि समस्या कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जितना बड़ा मैं है। और उनके दिमाग में नए नए विचार आते हैं और नए नए विचारों को लाते लाते वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं अपने जीवन में जिससे कि उनको तरक्की मिलना स्टार्ट हो जाती है, नए नए विचार डेवलप होने लगते हैं उनके दिमाग में। तो ऐसे ही विचार एक लीडर के दिमाग में आते हैं, ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं कि हम अपने नेटवर्क में कैसे ऑनलाइन बिजनेस करवाएं, लोगों को क्या ऐसा सिखाएं कि उनके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आए, उनको भी ऐसा लगे कि हमारे लिए ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत इजी है। तो आज हम उस चीज पर बात करने वाले, आज का हमारा टॉपिक ऑनलाइन बिजनेस का ही रहेगा और बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सारी बातों को लिखेंगे, आप सारी बातों को समझेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और ये ट्रेनिंग जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेनिंग आपको कल से आपको YouTube पे भी अपलोड मिलेगी, आप इसको YouTube पे भी जाके सुन सकते हैं फिर बाद में भी। बहुत आसान है ऑनलाइन बिजनेस करना, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत आसान है, रियली में बहुत आसान है ऑनलाइन बिजनेस करना, जो मैं समझ चुका हूँ। ऑनलाइन बिजनेस करना वरदान है हम लोगों के लिए, वरदान है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत बड़ा वरदान है, ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। वरदान है हमारे लिए, इजी है ऑनलाइन बिजनेस करना। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है हमें ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, हम लिस्ट बनाए, लिस्ट मेकिंग। जिस लीडर के पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी वो लीडर उतना ही बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा कमा सकता है। हम लिस्ट कैसे बनाएं? सबसे पहले आज एक नई डायरी लो, एक नई डायरी, अगर आपके पास लिस्ट बुक है तो लिस्ट बुक, और लिस्ट बुक नहीं है तो डायरी बनाओ। सबसे पहले आप एक नई डायरी बिल्कुल ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, उसमें अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों, जानकार लोगों के नाम लिखो जिनको आप जानते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा नाम लिखने, ज्यादा से ज्यादा नाम लिखने। अननोन लोगों के भी नाम लिखो जिनको आप अच्छी तरह से नहीं जानते, उनका नाम आपको मालूम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको मालूम है। मैक्सिमम लोगों के नाम लिखो, मैक्सिमम लोगों के, जितने भी आप लिख सकते हो। एक डायरी बनाओ आज सबसे पहला काम, उसमें लिस्ट बनाओ, बहुत बड़ी लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट आप बना सकते हैं उतनी बड़ी लिस्ट आप बनाओ। और जितनी बड़ी आपके पास लिस्ट होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों के सामने, ये बहुत जरूरी है। ज्यादा ज्यादा नाम आपको लिखने हैं। सोशल मीडिया से लिस्ट बनाओ जाके, सोशल मीडिया से कैसे? आप देखो फेसबुक, फेसबुक पे आपको हजारों लोग मिलेंगे। आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे, व्हाट्सएप में आपके पास रिश्तेदार है, उसमें आपका सोशल सर्विसेज के नंबर है, आपका जो समाज है उसके आपके ग्रुप बने होंगे, उस ग्रुप से कॉन्टेक्ट नंबर निकाल, उस ग्रुप से कॉन्टेक्ट नंबर निकालिए। आप आपके फ्रेंड हैं उनके नाम लिखिए, फ्रेंड के नाम लिखिए, रिश्तेदार रिश्तेदारों के नाम लिखो, पड़ोसी है पड़ोसी के नाम लिखो, पड़ोसी दूर तक पड़ोसी के पास जाओ उनके नाम लिखो। सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। आपको फेसबुक से आप जाओ तो आपको हजारों नाम लोग मिल जाएंगे, हजारों नाम मिल जाएंगे, ये बात समझिए आप एक बार, हजारों नाम आपको वहां पर मिलेंगे। सोशल मीडिया पर आपको बहुत आसान है आपको लिस्ट बनाना, आप बहुत आसानी से वहां पर लिस्ट बना सकते हो सोशल मीडिया से।
आप फेसबुक में मैसेंजर होता है, मैसेंजर अगर आपने देखा हो तो मैसेंजर पर आप लोगों से बात करोगे, हाय हेलो करोगे, तो उधर से रिप्लाई आएगा आपके पास। उधर से जब रिप्लाई आएगा हाय हेलो का, उसका नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए आप, उसका नाम लिखिए अपनी डायरी में, उसका कॉन्टेक्ट नंबर अपनी डायरी में लिखिए, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेव करिए, उसका एक व्हाट्सएप बनाइए आप अपना। तो सोशल मीडिया से लिस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी बन सकती है। फेसबुक से बहुत सारे नाम ले सकते हो, मैसेंजर से बहुत सारे नाम ले सकते हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं बहुत सारे, वहां से आप ग्रुप से आप कॉन्टेक्ट नंबर और नाम ले सकते हो बहुत सारे। ये आपको कर गुरु जी, आवाज नहीं आ रही है। Seattle Hello Tune पाने के लिए स्टार और नौ दबाएं और विंक म्यूजिक ऐप इंस्टॉल करें। The number you have dialed is sorry, सोशल मीडिया से लिस्ट बनाओ, नेटवर्क इशू हो गया था, सॉरी। सोशल मीडिया से लिस्ट बनाओ, सोशल मीडिया से आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे ना उतना बड़ा फायदा है। सोशल मीडिया से लिस्ट बनाने का एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। फेसबुक पे आपने देखा होगा, फेसबुक पे आपको एक पॉइंट होता है मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक मैसेंजर पे आप जाओगे ना तो आप किसी को हाय हेलो करोगे तो उधर से रिप्लाई भी हाय हेलो आएगा। अगर आप 10 लोगों से हाय हेलो करते हो तो 5 से 6 लोग उधर से आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, और जब रिप्लाई वो करेंगे तो आपको क्या करना है, उनसे कॉन्टेक्ट नंबर लेना है। कॉन्टेक्ट नंबर लेके आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो नए लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप नए लोगों का। और ये काम टीम से भी करवाना है, टीम को भी ये काम सिखाना है, और सिखाने के बाद चेक भी करना है कि उन बनाया नहीं बनाया। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्त कि हम बता तो देते हैं लोगों को लेकिन हम चेक नहीं करते कि उन्होंने बनाया है या नहीं बनाया है। तो ये काम जरूर करना जो मैंने आपको बताया यार। सबसे पहले डायरी बनाओ, नई डायरी, ऑनलाइन बिजनेस की डायरी बनाओ, उसमें अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों के नाम लिखो, अनजान लोगों के ज्यादा ज्यादा नाम लिखो, उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखो। सोशल मीडिया से लिस्ट बनाओ, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यहां से भी आप बना सकते हो। और अपनी टीम से भी ये काम करवाने हैं और चेक भी करना है, खाली करवाना नहीं चेक भी करना है ये काम, इस बात का आप लोग ध्यान दें। लिस्ट बनने के बाद क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है आपको, क्योंकि बहुत ईजी है। कैसे करनी है, जिनके नाम आपने लिखे हैं उनसे बात करनी है, जिनके भी नाम आपने अपनी डायरी में लिखे हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो कोई भी है, उनसे कॉल पे आपको बातें करनी है, इस बात का जरूर ध्यान दें। ऐसा नहीं खाली आपने नाम लिख लिए, नाम लिखने के बाद आपने फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। नाम लिखने फिर उनसे आपको बात भी करनी है। आप सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करना शुरू कर दो, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप जो आपके समाज के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें कोई ना कोई पोस्ट डालना शुरू करो। आपकी पोस्ट पर जो लाइक और कमेंट्स आते हैं उनसे बात करो। आपकी पोस्ट पे आपने देखा होगा लाइक के ऑप्शन पे बहुत सारे लोग आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, उस लाइक पे आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कितने लोगों ने आपको लाइक किया है। अब उन लोगों से आप मैसेंजर पे बात करो, और मैसेंजर पे बात करके उनको बताओ अपने बिजनेस के बारे में, उनसे बात करिए आप। सोशल मीडिया पर पोस्ट, आप पोस्ट डालोगे ना तो आपको पक्का मिलेगा। एक टारगेट लेकर चलो, आज 24 घंटे में एक पोस्ट डेली पोस्ट जरूर डालोगे आप, हर 24 घंटे में एक पोस्ट। एक कमिटमेंट ले लो आप, 1000 लोग आज जी गुरुदेव, एक पोस्ट डेली डालनी है। बहुत सारे अचीवमेंट है हमारे पास, कोई भी अचीवमेंट डालना है, एक पोस्ट डेली डालिए, कुछ ना कुछ एक पोस्ट। उस पर जितने भी लाइक आते हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं आपके, और जो टीम के हैं, जो ऑलरेडी कंपनी में ज्वाइन है उनको छोड़ के, उनसे अलग जितने भी लोग आते हैं उन पे सबसे आप बात करो। सबको अपने बिजनेस के बारे में बताओ, क्या क्या बताना है, कैसे कैसे बताना है, मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। तो आप देखिए, जिनके नाम लिखे हैं उनसे बात करनी, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट, सोशल मीडिया से ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करनी है, ये बात को ध्यान रखें। अपनी पोस्ट पर जो लाइक और कमेंट्स आते हैं उनसे बात करनी है, और हर दिन एक पोस्ट डालनी है, ये कमिटमेंट आपका होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
जी गुरुदेव बिल्कुल, एक बार हाथ उठा के बताते रहे जिनको भी समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ये सारी बात है। उसके बाद अप्रोचिंग एंड इनविटेशन, ये आपको करना है, ये बहुत जरूरी है आपको करना, इनविटेशन करना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आप इनविटेशन करोगे ना तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर निकलेगा। इनविटेशन में कैसे कैसे करें, लोगों को इनवाइट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने माइंड में थॉट डाल दो, एक विचार डालिए कि लोगों को इनवाइट करना है जी, और डेली का टारगेट लेकर चलो, डेली इनवाइट करना है 5 लोगों को, ये कमिटमेंट आपका होना चाहिए, डेली 5 लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट कैसे कैसे होंगे, सबसे पहले रोज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलना है लोगों को। एक अपने मोबाइल में ब्रॉडकास्ट बनाओ, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट नंबर है, जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है जो एसली पे आपकी टीम में ज्वाइन है, उनको छोड़ के अदर जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जान पहचान के अनजान हैं, जिनके भी कॉन्टेक्ट नंबर आपके मोबाइल में है, उनका एक ब्रॉडकास्ट बनाओ और सुबह डेली उनको एक गुड मॉर्निंग बोलो, या कोई भी मोटिवेशन थॉट ग्रुप में डालो, उस ब्रॉडकास्ट में डालो, डेली कमिटमेंट लो एक कि सुबह सुबह डेली डालना है, और रात को सोते टाइम गुड नाइट उनको बोलना है डेली, ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। एक ब्रॉडकास्ट बनाना बहुत जरूरी है आप लोगों को, बहुत आसान हो जाएगा बिजनेस करना, बताऊंगा सारी बातें। पोस्ट शेयर करो, पोस्ट जितनी ज्यादा पोस्ट शेयर करोगे उतना बड़ा बिजनेस आपके साथ होगा। पोस्ट, अब पोस्ट शेयर कैसे करनी है आपको, आपके लिए बहुत गुरुजी का हो सकता पोस्ट, है पोस्ट शेयर करनी है आपको। आपको क्या करना है, एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, और जो आपने ग्रुप बनाया है ना, ब्रॉडकास्ट जो ग्रुप है आपका, उसमें डेली गुड मॉर्निंग बोलनी है, गुड नाइट बोलनी है, उस ब्रॉडकास्ट में आपको पोस्ट शेयर करनी है डेली। जैसे हमारे नेटवर्क में किसी का चेक बना 40,000 का, 20,000 का, 25 का, 45 का, 50 का, जितने का भी चेक बना, लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, जितने का भी चेक बनता है, प्रोडक्ट के रिजल्ट किसी को आते, प्रोडक्ट का रिजल्ट उसमें डालना है। आपके जितने भी फेसबुक मैसेंजर हैं उस मैसेंजर में डालना है। ये बात का ध्यान दो, एक ब्रॉडकास्ट बनाना है, उसमें रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलना है, मोटिवेशन थॉट डालना है, उसमें कोई ना कोई एक पोस्ट शेयर करनी है, आपकी टीम के अचीवमेंट आते हैं, या आपके पूरी कंपनी में कोई भी अचीवमेंट आता है, या कुछ भी एक अचीवमेंट आता है, आपको पोस्ट करना है, इस बात का आप ध्यान दें। लिंक सेंड करने, लिंक आपके यहां पर जो भी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग का आपको लिंक सेंड करना है, इस बात का आप ध्यान दें। आपके जैसे कोई भी हमारे यहां पर सुबह 7:30 बजे वाली ट्रेनिंग होती है, उसका लिंक सेंड करो डेली उस ग्रुप में। आपके अपलाइन के माध्यम से कोई भी बेसिक ट्रेनिंग होती है उसका लिंक सेंड करो, कोई भी प्लान होता है उसका लिंक सेंड करो, फेसबुक पे कुछ भी किस कोई भी अप्लाई आता है उसका लिंक सेंड करो। इनविटेशन करना बहुत जरूरी है, फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, इनविटेशन करना बहुत जरूरी है, इनवाइट करना बहुत जरूरी है। एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, उसमें डेली का गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलो, कोई ना कोई पोस्ट जरूर शेयर करो, कोई भी पोस्ट डेली शेयर करनी है एक पोस्ट, और उस ब्रॉडकास्ट में हर दिन 5, 4, 4, 5, 10, 15 नए नाम ऐड करते रहो, नए कॉन्टेक्ट नंबर उसमें ऐड करते रहो। मेरे पास एक ब्रॉडकास्ट है, 7,000 से ज्यादा लोग हैं उसमें, तो उसमें लिंक सेंड आप करते रहोगे तो कुछ ना कुछ आपको सामने वाला कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा। हो सकता है कुछ लोग आपके पोस्ट को देख के आपको ब्लॉक मार देंगे, अब ब्लॉक मार देंगे तो मार देंगे, क्या फर्क पड़ता है, इस बात का ध्यान दें। तो लिंक सेंड करने बहुत जरूरी है, वीडियो सेंड करते रहो, यूट्यूब पे मेरी 100 से ज्यादा वीडियो है, कंपनी की बहुत सारी वीडियो है, कोई भी एक वीडियो डाउनलोड करो, वीडमेट में जाके कर लो, या यूट्यूब से कोई भी लिंक ले लो, लिंक लेके उस ग्रुप में आप शेयर करते रहो। जब आप उस ग्रुप में शेयर करते रहोगे तो आपके साथ काम बहुत बड़ा हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी बोलते बिल्कुल, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये अगर आप ये करोगे तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। और मैं आपको बिलीव देता हूँ, आपको विश्वास देता हूँ, आज से 15 दिन बाद अगर आपने डेली काम किया तो 15 दिन बाद आपके कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे,
आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये काम करने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग काम करते नहीं, अपलाइन बता देता है। अब अपलाइन इन चीजों को सीखता है कहीं ना कहीं से, अपलाइन तो बता देगा लेकिन हम लोग करते नहीं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और जिस दिन हम लोग करने लग जाएंगे उस दिन हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद सौदा प्लान, अब ये कैसे करना है। सौदा प्लान बहुत इजी है, लेकिन करना कैसे उस बात को हम समझते हैं। पहले हम वन टू वन मीटिंग करते थे और हॉल में हमारा प्लान चलता था, जैसे संडे संडे प्लान चलना और हम वन टू वन मीटिंग करते थे। आज भी यही दोनों काम हमें आज भी करने हैं, लेकिन इनके तरीके बदल गया है। इनका तरीका क्या है, अब हम वन टू वन प्लान करेंगे व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो से कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके भी, ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको। यस यस, पहले भी हम वन टू वन मीटिंग करते थे और आज भी हमें वन टू वन मीटिंग ही करनी है। पहले वन टू वन मीटिंग घर घर जाके करते थे, हॉल में करते थे, आज हमें क्या करना है, वन टू वन मीटिंग व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकते हो। मतलब आपने व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दी और उसको बोलो भाई डायरी पेन लेके बैठ जा, आप ऑनलाइन उसको डायरी पेन पे समझा सकते हो। उसके बाद उसको जूम पे आप बता सकते हो, यूट्यूब पे जाके आप बता सकते हो, या यूट्यूब के कोई वीडियो प्लान की वीडियो ले लो, अनुज शर्मा प्लान डालोगे, अनुज शर्मा प्लान आप लोगे ना यूट्यूब से तो आपको मिल जाएगा। उस प्लान को आप फॉरवर्ड कर दो, तो उससे बोलोगे भाई तू इस प्लान को देख, और प्लान को देख के तू डायरी पेन में लिखता रहे, और जब ये प्लान खत्म हो जाए तो मेरे को बैक कॉल करना। जब वो आपको बैक कॉल करे तो उससे पूछिए क्या समझ में आ रहा, क्या समझ में नहीं आया। जब वो आपको बताएगा मुझे समझ में आया और मुझे समझ में नहीं आया, जो उसको समझ में नहीं आया उसको समझाओ, फोन पे समझाओ, व्हाट्सएप से समझाओ, जूम से समझाओ। हम लोगों को लगता है बहुत ऐसे तो कौन समझेगा, जब वन टू वन मीटिंग करने के लिए घर घर जाते थे ना भाई साहब, तब भी आपको एक फॉलो अप करने में 10-10, 15-15, 20-20 बार, 50-50 बार जाना पड़ता था। एक बार में कोई नहीं आया आपके साथ आज तक। और आज भी आपको व्हाट्सएप पे, जूम पे, यूट्यूब वीडियो पे बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा, बार बार प्लान करना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा उसको समझ में नहीं आया। अभी हम क्या करते हैं, किसी को हमने एक बार लिंक भेज दिया, उसको प्लान भेज दिया, उसके बाद भूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ध्यान रखें इस बात का, एक बार से काम नहीं चलेगा, बार बार आपको समझाना पड़ेगा। हॉल मीटिंग अब हम वेबिनार के माध्यम से कर सकते हैं। हॉल मीटिंग पहले भी हम मीटिंग करते थे, आज ही हमें हॉल मीटिंग करनी है, लेकिन आज हम हॉल मीटिंग हम कर सकते हैं वेबिनार के माध्यम से। अब वेबिनार के माध्यम से कैसे होगा जी, देखिए जूम पे जाके गूगल मीट्स कर सकते हैं, यूट्यूब लाइव कर सकते हैं, फेसबुक लाइव कर सकते हैं। तो प्लान दिखाने के तरीके आज हमारे पास ये है, जो वन टू वन प्लान आप घर घर जाके करते थे आज वो प्लान आप ऐसे दिखाइए। लेकिन आपको ये काम डेली करने पड़ेंगे। आप सोचो कि काम नहीं हो रहा है, काम कैसे होगा, ये नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन से पहले हमारा बिजनेस डाउन था, लेकिन जब से लॉकडाउन लग गया हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया है। लोग घरों पे हैं, लोग घरों में हैं, हमारे लिए इजी है समझाना। हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा लगेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जब आप वन टू वन करते थे ना, घर घर जाके मीटिंग करते थे, तो एक प्लान दिखाने के लिए आपको 100-100 किलोमीटर जाना पड़ता था, आपका तेल लगता था, आपका पर्सनल खर्चे लगते थे, रास्ते में खाने पीने के पैसे लगते थे, कभी कभी आपको होटल में स्टे करना पड़ता था, उसके पैसे लगते थे, बाइक की सर्विस के पैसे लगते थे, अपने आप को मेंटेन करने के लिए पैसे लगते थे, बहुत सारे पैसे आपके खर्च होते थे एक प्लान को दिखाने में। लेकिन आज आपको एक प्लान दिखाने में आपका पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ आपका समय लगेगा। बस समय पहले भी लगता था, आज भी लगेगा, पहले आपका पैसा ज्यादा लगता था, पैसा बचेगा। तो माइंड में सीरियस पॉइंट को लेके आइए कि दोस्त पहले से बिजनेस आज है आसान करना, अब आसान है बिजनेस करना। और ये समझदार लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आज आसान है नेटवर्क मार्केटिंग करना, ऑनलाइन बिजनेस करना नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए वरदान है, वरदान। ये बात हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सीरियस रहना पड़ेगा। आदमी को 24 घंटे घर पे रह के आदमी को अपना माइंड बिजनेस के लिए पॉजिटिव रखना पड़ेगा। लेकिन हम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम घर में तो रहते हैं, वेब सीरीज देख हमारी सारी, सीरियल देखते हैं पूरे दिन, न्यूज देखते हैं पूरे दिन, गाने सुनते हैं पूरे दिन, मूवी सारी देख ली हमने घर पे बैठ के।
हमें जो काम हमें करने चाहिए वो काम हम नहीं कर रहे हैं, और जो काम हमें करने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। हम जितने मूवी में टाइम लगाते हैं 3 घंटे, 3 घंटे भाई साहब, अगर आपको 3 लोगों को प्लान दिखा दिया ना, तो आप सोचो आप उस आदमी से आगे चलते हो जिसने मूवी देख ली। आप बहुत आगे जा रहे हो यार, ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। आप एक गाना सुनते हो, 5 मिनट का गाना होता है, 5 मिनट में आप किसी को इन्विटेशन कर सकते हो। आप एक वेब सीरीज देखते हो, 10-10 घंटे की वेब सीरीज होती है, पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात निकल जाती है वेब सीरीज में, और आप उनको देखने में बिजी हो जाते हो। उससे बढ़िया आप अपनी टीम को ट्रेन कर दो, टीम को एक स्टेप सिखा दो, टीम को ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन सिखा दो, या अप्लाइंग से सीख लो। भाई आप देखो ना, हम बेवकूफ है, रियल में हम बेवकूफ लोग हैं, हकीकत में बेवकूफ है हम। समझदार कौन है जो वेब सीरीज बना रहा है? समझदार कौन है जो मूवी लॉन्च कर रहा है? समझदार कौन है जो गाने बना रहा है? क्यों? उसको पता है लोग घरों में खाली बैठे हैं, लोग आराम से मूवी देखेंगे और हमारी TRP बढ़ेगी, और लोग हम कर भी रहे हैं ऐसा। क्यों सर? ये तो बिल्कुल सही बात है, हम आराम से घर पर बैठ के सारी मूवियों को देख रहे हैं, TRP बढ़ा रहे हैं उन लोगों की, लेकिन उनका उनको देखने से हमें मिल क्या रहा है? सिर्फ हमें क्या मिल रहा है? इंजॉय ले रहे हैं, हम लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब ये इंजॉय फेक इंजॉय होता है, रियल इंजॉय होता है आपके पर्स में रोकड़ा कितना है, आपके अकाउंट में रोकड़ा कितना है, असली इंजॉय उसको बोलते हैं। आप तो इंजॉय कर रहे हो रूम में बैठे बैठे, मजा आ रहा है, सलमान खान उधर से घूसा मार रहा है, विलन उधर जाके गिर रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप हंस रहे हो, और घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, आपको मजा वहां आ रहा है। लेकिन वो रियल मजा, जो लाइफ का रियल मजा है ना, फैमिली के साथ लाइफ को एंजॉय करना, जो पैसा होता है लाइफ को अलग ही मजा आता है एंजॉय करने का, वो नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि आप फेक एंजॉय में लगे हुए हो। रियल एंजॉय में आओ, रियल में आओ यार, और रियल है ये काम करना। कमिटमेंट लो, 24 घंटे होते हैं, ये मूवी गाने वेब सीरीज क्रिकेट इनसे कुछ नहीं मिलेगा। लोग IPL देखने में लगे रहते हैं, अभी IPL थोड़ी देर रुक गए, पिछले IPL देखते हैं, पिछले 1990 में मैच देख रहे हैं, 1990 का मैच देख रहे हैं जी, 1995 का मैच देख रहे हैं, सचिन ने कैसे चौका मारा था उस मैच में उसको देख रहे हैं। अरे भैया सचिन ने उस चौके को मार के अरे वो कमा लिए, तुमने उस चौके को देख के कितना कमाया ये बताओ। क्यों सर? सही बात है गुरुदेव, बिल्कुल। सलमान खान की किसी मूवी को देख रहे हैं, शाहरुख खान की को देख रहे हैं, उसकी को देख रहे हैं, उसकी को देख रहे हैं, किसी के गानों को देख रहे हैं, अरे भैया उनके गानों को उन्होंने रिलीज करके उन्होंने अरबों करबों करोड़ों अरबों कमा लिए, लेकिन आपने उस गाने को देख के आपने क्या कमाया? क्या कमाया? अपना डाटा खर्च किया, अपनी एनर्जी वेस्ट करी, अपना टाइम वेस्ट किया, इसके अलावा कुछ किया हो तो बताओ। हमें ये काम करना है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये काम करिए आप। पूरे दिन में एक आदमी कम से कम टारगेट ले यार, घर पे हूं मैं, घर पे खाली बैठा हूं, कम से कम 10 प्लान दिखाऊं मैं यार, चाहे वो जूम पे दिखाऊं, यूट्यूब पे जाकर दिखाऊं, व्हाट्सएप से दिखाऊं, गूगल मीट से दिखाऊं, फेसबुक पे जाकर दिखाऊं, लेकिन मेरा कमिटमेंट होना चाहिए मैं 10 प्लान पूरे दिन में दिखाऊंगा, फिर देखो जलवा होगा नहीं होगा। और उन लोगों के चेहरे आज भी बहुत अच्छे बन रहे हैं जो डेली के प्लान दिखा रहे हैं, और आज भी वो लोग रो रहे हैं जो वेब सीरीज देख रहे हैं, जो मूवी देख रहे हैं वो रो रहे हैं, और रोते रहेंगे जीवन भर, क्योंकि वो समय के अनुसार अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। इस धरती पे वही आदमी सफल होता है जो समय के अनुसार अपने आप को बदलता है। आप सोचो कि लॉकडाउन हटे हम फील्ड में जाएं तब बड़ा काम होगा, देखो जब जो काम होगा तो होगा, लेकिन आज जो करना है वो तो करना है ना, उसके वेट में क्यों बैठे हम? अच्छा लॉकडाउन पूरी साल चलता रहा तो कब तक वेट करोगे? 2 साल चलता रहा, 3 साल चलता रहा, क्या करोगे? अच्छा कोरोना खत्म हो गया फिर कोई नई प्रॉब्लम आ गई फिर क्या कर लोगे? किसी को पता है क्या? या हमें पता था कि ऐसे का कोविड भी आ जाएगा देश में? नहीं कोई। तो दोस्त इस बातों को हमें हम लोगों को समझना पड़ेगा, जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस पॉइंट पर आप सीरियस हो जाइए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लान करिए। देखिए 80-20 का रेशियो चलता था, चलता है और चलता रहेगा, चलता रहेगा। पहले आप देखो पहले कितना टफ था बिजनेस करना, पहले आपको घर से निकल के जाना पड़ता था, कोट पैंट सिलवाने पड़ते थे, रेडी होकर जाना पड़ता था, बाइक में तेल डलवाना पड़ता था, गाड़ी में तेल डलवाना पड़ता था, ट्रेन से जाना पड़ता था, फ्लाइट से जाना पड़ता था, बस से। अब क्या है, घर के घर में बैठे हो, घर के घर में आराम कर रहे हो, आराम आराम से प्लान दिखा रहे, पूरे दिन घर में खाते रहो, प्लान दिखाते रहो,
खाते रहो, प्लान दिखाते रहो, खाते रहो, प्लान दिखाते रहो, ये तो काम करना है। लेकिन अभी भी भाई साहब अब कुछ लोगों को काम क्यों नहीं चल रहे? अब भाई साहब सुबह 11-12 बजे उठेंगे, अब 11-12 बजे उठेंगे तो काम कहाँ से चलेगा? रात को 2-3 बजे तक जागेंगे, अब रात को 2 बजे तुम्हारा प्लान भूत थोड़ी देखेंगे। सही बात है। अब भूत थोड़ी बोले आओ जी हमें प्लान दिखाओ, हम बैठते हैं चाय पानी लेके तैयार बैठे, आओ हमें प्लान दिखाओ। जब हिंदुस्तान सोता है तब आप जागते हो, जब हिंदुस्तान जागता है तब आप सोते हो। भाई उल्टा करोगे तो रिजल्ट कहां से आएंगे? आदमी सुबह सुबह 6 बजे जगे यार, प्लान की तैयारी करा, जितने प्लान कर रहे हैं इतने प्लान कर रहे हैं, आज की मेरी ये प्लानिंग है, तो बिजनेस क्यों नहीं होगा? 100% होगा दोस्त। इन बातों को ध्यान से समझो दोस्त, बहुत बड़ा काम करना है हम लोगों को। ये काम हर दिन करना है, कभी कभी नहीं करना है, हर दिन करना करना है, और डाउनलाइन से करवाना भी है, हर दिन करना करवाना भी है। इन बातों को ध्यान दे जी गुरुदेव, बिल्कुल खुद करो, अपने अप्लाइंग का समय लो, खुद नहीं आता है करना, खुद प्लान दिखाना नहीं आता है, अपने अप्लाइंग का समय लो, अप्लाइंग से करवाओ। अगर आप पे खुद नहीं आता है तो अप्लाइंग का समय ले लो, अप्लाइंग से करवाओ, सीखो। जैसे अप्लाइंग के साथ जाके 1-to-1 मीटिंग में प्लान देना सीखते थे, ऐसे आज सीखो। आज क्यों नहीं सीख रहे हैं? आज क्यों काम नहीं हो रहा है हमसे? कारण है, उसके पीछे की वजह है दोस्त, वजह यह है कि पहले वो काम हम पे करना आता था, ये काम करना नहीं आता है। उस काम को हमने करना सीखा था, इस काम को भी हमें करना सीखना है, और ये बहुत ईजी है। ऑफलाइन से ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत ईजी है। ऑफलाइन पे आदमी घर में मिलता था, नहीं मिलता था गारंटी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में आदमी घर पे मिलता है। आज के जमाने में तो हर आदमी घर पे ही है, कभी व्हाट्सएप कर दो, कभी प्लान भेज दो, कभी भी भेज दो, उसको घर पे बैठा है, फ्री बैठा है। तो ध्यान दो इस बात का, बहुत सीरियस पॉइंट पे बात करो दोस्तों आपसे। उसके बाद फॉलो अप, जैसे ही प्लान आपका खत्म होता है तुरंत कॉल करो उसको, तुरंत। हम क्या करते हैं, प्लान जैसे खत्म हुआ हमारा ऑनलाइन, फिर उसको कॉल नहीं करते, हम सोचते हैं उसका कॉल आएगा, उसका कॉल आएगा, उसका कॉल आएगा, उसका कॉल नहीं आएगा। उसने आपका प्लान एक बार देखा, उसको समझ में नहीं आया है प्लान, प्लान के बाद उसको कॉल करो, कॉल करके पूछो सर प्लान कैसा लगा, अच्छा है, बहुत अच्छा। जैसे हम सेमिनार के बाद में पूछते थे, क्लोजिंग करते थे, वही सवाल यहाँ पर भी करना है, सर प्लान कैसा लगा, अच्छा है, बहुत अच्छा। सर प्रोडक्ट अच्छे लगे, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, वो सवाल यहां पर भी आपको करने हैं, सेम सवाल। ये कर दो बिल्कुल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो, जैसे ही प्लान खत्म होता है तुरंत व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो। लेकिन व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेंगे कहां से? जो पर डे का 1 GB डाटा मिला है वो तो वेब सीरीज में खत्म हो गया, वो तो मुन्नी को बदनाम होते वो देख लिया था ना। अब सीरा की जवानी देख रहे हो तो भैया व्हाट्सएप की वीडियो कॉल तो बंद होगी तुम्हारी। जब गाने देखोगे वहां, गाने देखते डांस करते हुए देख रहे हो उसको, मुन्नी बदनाम हो रही है नहीं हो रही है, शीला की जवानी हो रही है नहीं हो रही है, सलमान खान घुसे मार रहा है नहीं मार रहा है, अमरीश पुरी पिट रहा है नहीं पिट रहा है, सचिन ने चौका मारा नहीं मारा, तो भैया डाटा तो खत्म होगा तुम्हारा। और जब तुम्हारा डाटा खत्म होगा तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल कैसे करोगे? क्यों सर? बिल्कुल गुरु जी सही बात है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल होगी नहीं, डाटा को दूसरी जगह खर्च कर दे रहे हैं, फिर मीटिंग के लिए समय नहीं बचता, डाटा नहीं बचता सर, है ना। व्हाट्सएप वीडियो कॉल कहाँ से करोगे फिर? गाने को फॉरवर्ड करते रहोगे, गाने डाउनलोड करते रहोगे, उनको भेजते रहोगे, टिकटॉक वाली वीडियो को देखोगे। हमें बड़ा हंसी आता है टिकटॉक वाली वीडियो को देखा, कितना खुश होते हैं टिकटॉक पे, कोई भी टिकटॉक की वीडियो आ जाए भाई साहब ऐसे समझो जैसे अमृत मिल गया हो। तेरे हंसने से सामने वाले के फॉलोवर बढ़ रहे हैं, सामने वाले की रेटिंग बढ़ रही है, तू हंस रहा है पैसे कमा रहा है, हंस कोई रहा है पैसे कोई कमा रहा है। क्या दुनिया में बता उल्टा समाज समय चल रहा है? जो हंस रहा है वो नहीं कमा रहा है, जो हंस नहीं रहा वो कमा रहा है। उसने 2 मिनट की वीडियो बनाई, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, हद हो रही है जमाने में। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो दोस्त, लेकिन व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने के लिए आपके मोबाइल में डाटा होना चाहिए। डाटा को खर्च मत करो मूवी देखने में, वेब सीरीज देखने में, क्रिकेट देखने में, बॉक्सिंग देखने से, WWF, WWE, WWD, WWC, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो आप। WWF तो ऐसा देखते हैं जैसे खली से जाकर भाई साहब तुम ही लड़ाई करोगे, जैसे तुम ही जाकर सचिन के चौके छक्के भाई साहब ऐसे देख रहे हैं, बस अगला नंबर तुम्हारे, अगले IPL में नंबर तुम्हारा पक्का सिलेक्शन है, तुम्हारे पास कॉल आएगा, तुम्हें बुलाया गया है,
तुम्हें पक्का जाना है, पक्का, क्योंकि तुम्हारे बिना आईपीएल होगा नहीं, बहुत जरूरी है भाई आपको वहां जाना है। तो भाई ये डाटा वगैरह खर्च मत करो, ये बहुत जरूरी है, इस बात का आप लोग ध्यान दो। व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया करो, जितना व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल करोगे लोगों को, देखिए कॉल को उतना समझ में नहीं आएगा, आप आई कॉन्टेक्ट वीडियो कॉल में क्या कर सकते हो, आई कॉन्टेक्ट। आप ऑर्डर, आपने कॉल किया तो कॉल करने में क्या होता है, उसका ध्यान कहीं और हो सकता है, वो खा रहा हो सकता है, वो नहा रहा हो सकता है, वो सोता हुआ बात कर रहा होगा, लेकिन जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करोगे तो उसका आई कॉन्टेक्ट और आपका आई कॉन्टेक्ट सेम होगा। समझ में आ रहा है सर? जी गुरु जी बिल्कुल। जब आप एक दूसरे को देखोगे तो उसको बात को ध्यान से समझेगा। और बोला जाता है हमारे यहाँ पर जितना ज्यादा आई कॉन्टेक्ट होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा, तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल से आप काम करें। गुरु जी इसमें जैसे कि फॉलोअप कर रहे हैं तो इंडिविजुअल एक आदमी का फॉलोअप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ताकि दूसरे सामने वाले से बात कर सकते हैं। यस यस, आपने किसी को प्लान दिखाया तो आप उसको तुरंत वीडियो कॉल करवाओ, बिल्कुल प्लान कैसा लगा, जूम पर अपलाइन से करवाओ फॉलोअप, आपके चार पांच फॉलोअप हैं या आपका सिंगल एक फॉलोअप है, आपको लग रहा है आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो अपने अपलाइन का टाइम देकर हैंडल करवाओ, अपने अपलाइन का समय ले लो, अपने अपलाइन से समझवाओ उसको, लेकिन जूम पर समझवाओ अपने अपलाइन से, व्हाट्सएप में समझवा दो अपने अपलाइन से, एक व्हाट्सएप में 7-8 लोग आते हैं आराम से, वीडियो सेंड करो अचीवमेंट वाली, हमारी इतनी सारी वीडियो पड़ी है अचीवमेंट वाली, करोड़ रुपए की टेस्टिमनी पड़ी है यूट्यूब पे, किसी को भेज दो आप, कोई आदमी ये बोलता है ऐसा नहीं होता, ऐसा फ्रॉड वाली है, बेकार के काम है यार, तो ऐसा थोड़ी होता, तो हमारी व्हाट्सएप बहुत सारी वीडियो भेज दो, और जिसको लगता है भैया मुझे बोलता है ऐसा होता ही नहीं है, और बोलता है बिल्कुल होता ही नहीं है, और बोलता है बिल्कुल होता ही नहीं है, और बोल रहा है कि मैं गारंटी से ज्वाइन करूंगा 101%, तो भाई एक आध बार टाइम लेना, तो टाइम मैं भी दे दूंगा, एक आध बार, हर बार तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन एक बार तो दे दूंगा आपको टाइम, आपके डायमंड का कॉल आएगा आपके डायमंड के माध्यम से, एक बार तो कॉल टाइम दे दूंगा। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि होता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो भाई फिर मेरे पास लेके आ जाना, मैं गारंटी देता हूँ आपको, पीडीएफ सेंड करो प्लान की, पीडीएफ सेंड करो उनको, प्रोडक्ट लिस्ट सेंड करो, प्लान जैसे खत्म हुआ है सेंड करो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अप्लाई के चेक सेंड करो, हमारे इतने सारे चेक आते हैं उनको सेंड करो, आप बोलोगे तो मैं कैपिंग के चेक आपको भेज दूंगा, आप उनको फॉरवर्ड करो ग्रुपों में, फॉरवर्ड करो सुबह ब्रॉडकास्ट पे, टूल्स का ये सब, ये हमारे सब टूल्स हैं, जितने मैंने आपको ऊपर से ये क्षेत्र बताए सब टूल्स हैं, टूल्स जब भी काम करते हैं, जब आप नहीं करते हो, आपने किसी को पीडीएफ सेंड कर दी और आप पीडीएफ सेंड करके आप भूल गए, लेकिन उसने पीडीएफ देख ली, इसका मतलब ये है कि आपने, आप जब काम नहीं कर रहे हो ना, तो आपका टूल्स वहां काम कर रहा है, तो टूल्स मैक्सिमम सेंड किया करो मैक्सिमम। ऑनलाइन फॉलोअप में समय ज्यादा लगेगा, याद करें, याद रखें, फॉलोअप में समय ज्यादा लगेगा दोस्त, और समय उतना ही लगेगा जितना पहले लगता, पहले भी एक आदमी को ज्वाइन कराने पे आपको 5-7 बार उसका फॉलोअप करना पड़ता था, आज भी करना पड़ेगा, लेकिन आज इजी है, आज इजी है दोस्त, आज इजी क्यों है, पहले लोगों को विश्वास था अपनी नौकरी पे, पहले लोगों को विश्वास था अपनी मजदूरी पे, पहले लोगों को विश्वास था अपनी दुकानदारी पे, पहले लोगों को विश्वास था अपने काम काज पे, लेकिन उनको लोगों को आज बताइए कि देश में लॉकडाउन की वजह से नौकरियां जा रही हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, बस बंद हैं, ट्रेन बंद हैं, सब कुछ बंद पड़ा है, एक ऑनलाइन बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग जो आज भी चल रहा है, पहले से बेहतर चल रहा है, फॉलोअप में प्रोडक्ट रिजल्ट बताओ हमारे दोस्त, ध्यान दो, बहुत आगे तक जाना है, ऑनलाइन बिजनेस करना ही पड़ेगा, और जो लीडर ऑनलाइन बिजनेस सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, जो ऑनलाइन बिजनेस करना नहीं सीखेगा वो फेल हो जाएगा, ध्यान रखें इन बातों का, फेल, और ये सभी सीनियर लीडर की जिम्मेदारी है, जितने भी टोपाज एंड अबव एमरल्ड एंड अबव लीडर्स हैं, प्लेटिनम एंड अबव लीडर्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम को मैक्सिमम चीजें सिखाएं, बहुत जरूरी है, टेक अप न्यू एसोसिएट, अब न्यू एसोसिएट को सिखाना है, न्यू एसोसिएट को समझाना है, न्यू एसोसिएट को तैयार करना है, जब वो ज्वाइन हो जाता है तो उसको तैयार करना है, काम कैसे होगा, तैयार करने के लिए क्या करें, मैक्सिमम ऑनलाइन ट्रेनिंग में उनको लेकर आओ, मैक्सिमम ऑनलाइन ट्रेनिंग में, मैक्सिमम ऑनलाइन ट्रेनिंग जितनी भी है उनको लेकर आओ, उसमें सुबह 7:30 बजे वाली ट्रेनिंग होती है उसमें लेके आओ, डेली चेक करो आया नहीं आया, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, खुरापाती आदमी क्या होते हैं,
बस उस वीडियो के जो हमारे ट्रेनिंग होते हैं उसके पोस्ट को शेयर कर देंगे बस, और शेयर करके भाई साहब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 7:30 बजे, भाई साहब की आँख खुलती है 11 बजे, और उसको ये पता नहीं कि तुम्हारे ट्रेनिंग में कितने लोग आज बैठे थे कितने लोग नहीं बैठे हैं। फिर बोलते हैं सर तुम तो गलत करते हो मेरे साथ। फिर उसको बोलते कैसे गलत सर, सबके चेक बनते मेरा नहीं बनवाते आप, हमारा चेक नहीं बनता सर सबके बनते हैं। और सबके भैया जब बनते हैं तो 7:30 बजे वो खुद मीटिंग में आता है और लोगों को भी लेके आता है, वो खुद भी आता है औरों को भी लाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 11 बजे आप सो के उठोगे तो आप नहीं आए, आपकी डाउनलाइन नहीं आई, जब आप नहीं आओगे आपकी डाउनलाइन नहीं आएगी मेरे दोस्त, तो बिजनेस कहां से हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं जादू चिराग थोड़ी है कि करिए सुर चुर फुर और बिजनेस हो गया, चेक भी आ गया टुर, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। राइट गुड। अब नए लोगों को सिखाना है, आज मैंने ज्वाइन कर लिया अब उसको तैयार करना है, तो सुबह डेली ट्रेनिंग में लेके आओ उसको, डेली लेके आओ ट्रेनिंग में डेली, और डेली ट्रेनिंग में आएगा तो बहुत बड़ा काम होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। कंप्लीट रूल शीट दो उसको, आप कहीं जा नहीं सकते तो कोरियर करवा दो, कोरियर सर्विस तो अवेलेबल है हर जगह, कोरियर पहुंचवा उसको, इन बातों का ध्यान दो हमेशा। प्रोडक्ट की टेस्ट मनी सेंड करो, जितने भी आज तक प्रोडक्ट के रिजल्ट आए हैं यूट्यूब पर रिजल्ट पड़े हैं सबके लिंक भेजो सबके, उससे बड़ो सर इनको देखो प्रोडक्ट रिजल्ट आते हैं। कोविड चल रहा है, अपने इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के प्रोडक्ट भेजो उनको, इम्यूनो डॉग के बारे में बताओ, वायरल डॉग के बारे में बताओ, वीवो डॉग के बारे में बताओ, बीटा डॉग के बारे में बताओ, अश्वगंधा के बारे में बताओ, थंडर ब्लास्ट के बारे में बताओ, लीवो डॉग के बारे में बताओ, गिलोय के बारे में बताओ, तुलसी के बारे में बताओ, ग्लो जूस के बारे में बताओ, ग्लो ड्रॉप के बारे में बताओ, काढ़े के बारे में बताओ। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं टेस्ट में नहीं भेजो लोगों के पास कि सर देखिए आप हमारे प्रोडक्ट कितने रिजल्ट आते हैं, और आप देखिए सर आपके जानकार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये समस्याएं हैं तो सर आप उनको प्रोडक्ट हमारा दिलवाओ, और हमारा प्रोडक्ट दिलवाओगे तो आपका चेक भी बनेगा और वो वाला व्यक्ति सही भी होने की संभावना उसकी बहुत अधिक हो जाएगी। इन बातों को बताओ, कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा उसको बताओ, कंपनी के बारे में सारी बातें बताओ। सर कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, कंपनी को इतने साल हो चुके हैं, कंपनी में इतने अचीवमेंट है, कंपनी में इतने प्रोडक्ट रिजल्ट है, कंपनी में पहले इतने प्रोडक्ट थे आज इतने प्रोडक्ट हैं, सारी बातों को समझाओ, सारी बातें बताओ, नए एसोसिएट को बताओ सारी बातें। FIM ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा करो, जितने भी टोपाज लीडर हैं भाई साहब, टोपाज लीडर अपने लेवल पर हर बृहस्पतिवार की शाम को अपनी टीम की FIM ट्रेनिंग करो। FIM बहुत जरूरी है, FIM ट्रेनिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, उसमें कंपनी के बारे में बताओ, अपने सभी जितने भी कंपनी में अचीवर हैं सबके बारे में बताओ, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बताओ, अपने प्लान के बारे में बताओ, लिस्ट क्यों बनानी है बताओ, इन्विटेशन क्यों करना है बताओ, फॉलोअप क्यों कर रहा है बताओ, सारी चीजें FIM में समझाओ। 1 से 2 घंटे की ट्रेनिंग चलाओ, जब होगा बिजनेस FIM ट्रेनिंग बहुत जरूरी है भाई साहब। हर बृहस्पतिवार की शाम को जितने भी लोग नए ज्वाइन हुए उनके FIM होना बहुत जरूरी है। कीपिंग द टीम एक्टिव भाई साहब, ध्यान दो, इस बात को जितना आप समझोगे भाई साहब बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा। अगर नहीं समझ पाए तो काम नहीं होगा। टीम को एक्टिव रखना है, हमेशा एक्टिव। कभी भी आप अगर उनको आपने फ्री छोड़ दिया तो टीम खत्म हो जाएगी। एक्टिव रखो, सक्रिय रखना है, सिखाते रहना है, समझाते रहना है, छोड़ना नहीं है, जोड़ के रखना है। जोड़ कैसे सकते हो, सभी अचीवमेंट सेलिब्रेशन शो में अटेंड कराओ उनको, जितनी भी आपकी पूरी टीम है सबको अटेंड कराओ। आज मैं एक सफाई लीडर से बात कर रहा था, उसका कॉल आ गया मेरे पास, बोला सर मेरा बिजनेस नहीं उठ रहा। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। मैंने बोला कल कितने लोग आए थे तुम्हारे? बोला सर 19 लोग आए थे, जो कल हमारा अचीवमेंट सेलिब्रेशन हुआ था उसमें उसके 19 लोग। सोच के देखो, एक सफायर लीडर के 19 लोग बताओ, सिर्फ 19। इसका मतलब क्या है? वो ना तो वो खुद सीरियस है ना अपनी टीम को सीरियस कर पा रहा है, चेक कहां से बन जाएगा? 19 लोग सफायर के बताओ,
फिर बोल रहा सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो सीरियस नहीं है। टीम को हमेशा 7:30 बजे वाली मीटिंग में अटेंड कराओ, 7:30 बजे वाली मीटिंग में अटेंड जरूर कराना है। अपने लेवल की मीटिंग अटेंड करो, जो भी आपके लेवल की मीटिंग अपलाइन के माध्यम से हो रही है उनको अटेंड करते रहो, उनको फ्री मत छोड़ो। बुक पढ़ा करो बुक। अगली ट्रेनिंग में जो लेके आ रहा हूँ, अगली ट्रेनिंग में मैं आपको बहुत सारी बुकों के नाम बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक कौन कौन से लेवल पर पढ़नी है। उन बुक को मंगाने के लिए मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मंगानी है। वो बुक आपको मंगा कर पढ़ना है, डेली 1 घंटा बुक पढ़नी है। बुक पढ़ोगे बहुत ज्यादा आप आगे सीखोगे। और एक बात हमेशा याद रखो, सीखते रहो, सिखाते रहो और कमाते रहो, कमाते रहो। सीखोगे सिखाओगे तो ही कमाओगे मेरे भाई, ध्यान रखे इन बातों का। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी बातें मैंने आपको दोस्त बताई हैं, इन बातों को ध्यान से समझिए। ये बातें आप लोगों के लिए